यहाँ किस लिए आए? मालिया में? मालिया में बस छुट्टी। दिल से बताओ किस लिए आए? दिल से हंसो नहीं, दिल से बताओ किस लिए आए? फिलीपीनी देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और कुछ काम नहीं है भाई। एक शेर है कि जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। वाह क्या बात है। चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि यार ये चीज यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम लोग। अरे सबसे ज्यादा तो मुझे कपड़े धोने में बहुत मिस होता। अब यहाँ आने के बाद लगता है कि कुवैत में हो, यहाँ जैसे जन्नत के जन्नत में आ गए। जन्नत में आ गए। अस्सलाम वालेकुम, तो आप लोगों का फिर से वेलकम है मेरे एक नए वीडियो में। और ये वीडियो है ऐसी जगह का, जो जगह मैं दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में, वो जगह आप लोग को लगेगा ही नहीं देख के कि ये कुवैत में है। हम लोग को खुद नहीं लगता, हम लोग ऑलरेडी कुवैत में है। हम लोग को वहां जाने के बाद, जुमा के दिन यानी फ्राइडे के दिन जाने के बाद, वहां लगता ही नहीं है कि ये जगह कुवैत में है, कुवैत में एग्जिस्ट करती है। ये फिलीपीन के लोग हैं, यहाँ सिंगिंग चालू है। और वहाँ पे जो बाहरी लोग आते हैं, मतलब जो दूसरे देशों के लोग आए हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उन लोगों से मैं बात करूंगा। बात करने के बाद उनसे जानूंगा कि किस काम में नहीं आना चाहिए, किस काम में आना चाहिए, किस काम में कितनी सैलरी है, उन लोगों को कितनी सैलरी मिल रही है, किस चीज की घर में ज्यादा याद आती है, अभी ईद गुजरी है, ये सब चीजों से रिलेटेड ये वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी मजेदार होगा, आप लोग पूरा देखिए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कहाँ से हैं? इंडिया में? इंडिया में, यूपी। यूपी, यहाँ पे कितने दिन से हैं? 21 महीने। 21 महीने, एक एक महीना जोड़ के रखे हैं। एक एक महीना जोड़ पर जाने का दिन भी बता दो, कितने दिन हो गए? 21 महीना कितने दिन? अभी 22 महीना होने वाला, आपकी 20 तारीख को 22 महीना, आपकी 20 तारीख को 22 महीना हो जाएगा। एक एक चीज याद रहती है। और एक बहुत बारीक चीज पूछूं मैं आपसे, ये अभी ईद गुजरी है, ईद में किस चीज की ज्यादा याद आई इंडिया में, क्या मिस किया? अपनी बेटी की याद आई हमें। आपकी बेटी की याद आई बहुत ज्यादा, और भाभी की? जाहिर सी बात है, मतलब जाहिर सी बात है। क्या चीज खलती है यहाँ पे, कि किस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि यार ये चीज यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम लोग? अरे सबसे ज्यादा तो मुझे कपड़े धोने में बहुत मिस होता। बहुत ज्यादा खलता मुझे कपड़े धोने, कपड़े धोना पड़ता है खुद। अब वहाँ तो बीवी धो देती थी, यहाँ पे कपड़ा धोना पड़ता है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है ना, आप थोड़ा खर्चा करो, मशीन ले लो यार। तो कंपनी में इतनी सैलरी नहीं है ना। हाँ ये बात भी सही, अपना वीजा हो तो सब कुछ बेहतर। सिलाई का काम करते, सिलाई का काम करते। कैसा लग रहा है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर, कोई अच्छा है, पहला सफर है, पहला सफर है, आएंगे अभी? हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएंगे। जाता हूँ, ठीक है कामरान भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिव्यू के लिए, ठीक है। ये जितनी भी भीड़ दिख रही है, ये कुवैत में एक जगह है मालिया समंदर के पास, ये पूरी भीड़ जो है ये बाहरी है, मतलब दूसरे देशों के लोग हैं, ये सारे लोग दूसरे देशों के हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ज़्यादातर इंडियन है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, ऑल कंट्री का आदमी आता है। ये बांग्लादेश के हैं, देखो बांग्लादेश है ना, बाय बाय। कैसा है, ठीक है? हाँ ठीक है, हम भी अच्छा है। ये बांग्लादेश के हैं, हम लोग इंडिया के हैं, और काफ़ी लोग पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, सीरिया के हैं, मतलब ऑल कंट्री के लोग हैं, ऑल कंट्री के। यहाँ लोग जब जुम्मे के दिन आते हैं थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं। ये कुवैत में एक जगह है मालिया, भीड़ देखो, भीड़ देखो, दूर दूर तक पब्लिक ही पब्लिक, दूर दूर तक। ये ऐसा फील होगा, एक मेरा मुंबई का साथी है वो बता रहा है, जैसा महसूस हो रहा है मरीन ड्राइव या बैंड स्टैंड, ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ आमिर भाई, कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे? अच्छी है। ओह सिंगर भी है इधर पे। यहाँ पे पब्लिक खाना लेके आ रही है, खाना खा रही है, कुछ लोग हैं जो कपल्स हैं, कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, कुछ लोग बच्चे के साथ आते हैं जो पूरी फैमिली को रखे हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के लोग हैं, कुछ लोग टिकटॉक बना रहे हैं, कुछ लोग रील्स बना रहे हैं, कुछ लोग बैठ के दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। जब मैं आया था, जब काफ़ी दिन था, लेकिन कुवैत टावर में जाने की वजह से यहाँ हो गई है रात। ये पूरा बैंड स्टैंड है, यहाँ म्यूजिक व्यूजिक बज रही होगी। हाँ ये फिलीपीन के लोग हैं, यहाँ सिंगिंग चालू है, और हमारे देश के लोग पूरा नज़ारे का मजा उठाते हैं। एक ये मेरा भाई मिला है, क्या नाम है भाई? मारूफ रजा। मारूफ रजा कहाँ से है मारूफ रजा भाई? जी रामपुर से हूँ भाई। रामपुर से, कब से है कुवैत में? कुवैत में 2 साल हो गए। 2 साल हो, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। क्या काम करते हैं? फैमिली ड्राइविंग। फैमिली ड्राइवर, जी जी। अच्छा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई। कितनी सैलरी मिल रही? बस 120 सैलरी है। 120, क्या एक अच्छी चीज़ बताओ कुवैत के बारे में। कुवैत में रूल्स रेगुलेशन अच्छे है, रूल्स रेगुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह। इधर सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सब एक बराबर है, सब एक बराबर, बोले तो सबको भाई भाई समझा जाता है। भाई भाई, और एक बुरी चीज़ बताओ कुवैत की।
कुवैत में बुरी चीज तो वैसे है कुछ नहीं है, लेकिन सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि सबको एक जैसे समझाते हैं। सबको अच्छे, बुरी चीज कोई नहीं महसूस हुई आपको? जी जी, इधर में फर्क नहीं है, फर्क नहीं, सब बराबर, एक सबको बराबर समझाता है, ये अच्छा है कुवैत, ये चीज अच्छी है। अच्छा, अभी ईद हुई, ईद में किस चीज की ज्यादा याद आई आपको? बस फैमिली की बहुत याद आई, मम्मी पापा बहन भाई की, मम्मी पापा बहन भाई, यही चीज जो है वो खलती है जी। बस यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ और फैमिली नहीं मिल सकती जी। जी, पैसा तो है लेकिन फैमिली दूर है। पैसा है, पैसे ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारियों के लिए इधर पड़े हैं, लेकिन माँ बाप की याद आती है, फैमिली की याद आती है। अच्छा नहीं लगता कभी कभी? कभी कभी तकलीफ हो जाती है? हाँ, कभी कभी तकलीफ होती है, तकलीफ में ही पैसा कमाया जाता है, आसानी में पैसा नहीं कमाया जाता। अगर कुछ कहते हैं, एक शेर है कि जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। वाह क्या बात है यार, आप तो एकदम शायर निकले। जो लोग नए लोग आना चाहते हैं कुवैत इंडिया से, उनके बारे में जी, क्या वेलकम कहेंगे? है सबका, आ सकते हैं, लेकिन बस ये है कि किसी फ्रॉड एजेंट से बचें, किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। आजकल पैसा लेके लोग गलत गलत बुला दिया करते हैं भाई, इधर आने के बाद 120 में बुलाएंगे, 90 देगी मैडम, ये देगी, तो जबकि मैडम बोलती है कि मैंने 90 में ही तय किया। तो बस ऐसे लोगों से बचे, एजेंट लोगों से दिक्कत हो जाती है जी, बहुत दिक्कत हो जाती है। लास्ट बात ये बता दीजिए कि जो नए लोग आए वो किस काम से बचे, कि ये काम में ना आए। ज़्यादातर तो मैं यही बोलूँगा, मैं खुद फैमिली में हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं यही बोलूँगा कि फैमिली में नहीं आए, फैमिली ड्राइविंग में ना आए। हाँ, बेहतर ही है, क्योंकि नए लोग होते हैं परेशानी पड़ती है। मैं तो रिटर्न है, मैं दुबई रिटर्न था, इसलिए कोई आसानी हुई, लेकिन नए बंदों को थोड़ा करना पड़ता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आए, वेलकम है सबको, हक है भाई अपनी फैमिली का, फैमिली के लिए कुछ करने का। सही है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। ओके, शुक्रिया, शुक्रिया भाई है। ये भाई साहब हमारे मिले हैं, कहाँ से हो भाई? भाई मुरादाबाद इंडिया। मुरादाबाद इंडिया, कब से हो कुवैत में? ये हो गया 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, कैसा लग रहा है कुवैत? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ठीक है जी, जी। मजा आ रहा है मालिया में? जी हाँ, यहाँ पे तो मजा ही आता है। कैसा महसूस होता है यहाँ पे? यहाँ आने के बाद लगता है कि कुवैत में हो, यहाँ जैसे जन्नत में आ गए। जन्नत में आ गए, क्या देख के लगता है कि जन्नत में आ गए? यहाँ की नीली परी है। नीली नीली क्या परी है? यहाँ जैसे नीली नीली लाल लाल परी है, फिलिपिनी। फिलिपिनी, क्या काम कर रहे हो? मैं यहाँ ड्राइवर हूँ, ड्राइवर, हाउस ड्राइवर जी। 1 साल से? कितनी सैलरी? 120। ईद में किस चीज़ की ज़्यादा याद आई? घर वाले की। घर में किसकी? माँ की और बाप की। माँ की, पापा की। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान। थोड़ा आवाज़ तेज करो। मोहम्मद रेहान नाम है। कहाँ से हैं भाई? मैं इंडिया यूपी। इंडिया यूपी में कहाँ से? मेरा जिला रामपुर है। कितने दिन से हैं कुवैत में? कुवैत में लमसम हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कुवैत के बारे में क्या कहेंगे, जो नए लोग आना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? नए लोग आए, अच्छा है, अच्छी सिटी है, बढ़िया है कुवैत, अच्छा है, पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ किस लिए आए मालिया में? मालिया में बस छुट्टी। दिल से बताओ किस लिए आए? दिल से हंसो नहीं, दिल से बताओ किस लिए आए? फिलिपिनिया देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और कुछ काम नहीं है भाई। असली बात बोल दिए तुम तो यार, एकदम दिल की बात बोल दी, दिल की बात बोल दिया है। आपका कुछ है फिलिपिन में? नहीं नहीं कुछ, हकीकत बताओ यार। नहीं है बस भाई, ट्राई कर रहा हूँ, मतलब कार प्रगति पर है। ट्राई व्राई कुछ नहीं कर रहा, बस ये देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अभी ईद गुजरी है, ईद में क्या चीज़ की तकलीफ हुई, सबसे ज्यादा क्या याद आया? ईद की तकलीफ क्या हुई, बस घर वालों की याद आई, और किसकी याद? घर वालों की याद आई। घर में किसकी याद आई? घर में मम्मी पापा भाई बहन, बस और क्या। कितनी सैलरी आपकी? सैलरी तो ठीक है, 300 सैलरी है, अच्छा 300, माशाल्लाह बहुत अच्छी सैलरी है यार। मतलब आजाद वीजा, क्या काम करते हैं? मैं कारपेंटर। कारपेंटर है। जो नए लोग आना चाहते हैं वो किस काम में आए, क्या बेहतर रहेगा? बेहतर जो भी आए, इंडिया से काम सीख आए, वही बेहतर है, वही बेहतर है। यहाँ हाउस ड्राइविंग में बेहतर है ना आए? सब ठीक है, बेहतर है, मेन चीज क्या, फ्रॉड नहीं होना चाहिए बंदे के साथ। अच्छा बोल दो, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई को। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।